हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी। ये देखिए, इसके लिए मैंने हाफ के जी फिश ले ली हूँ, तलबिया फिश है ये। और मैं जो प्यूरी बना रही हूँ मसालों की, वो ये है इस प्रकार। 2 टमाटो, ये ऑनियन मैंने इसको छील ली हूँ, हरी मिर्च 2, ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ पहले फ्रेंड। और अदरक लहसुन तो मैं पिसा हुआ अलग से डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस प्रकार मैंने रफली चॉप कर ली हूँ, क्योंकि इसको हमको पीसना है, ग्राइंड करना है मिक्सी में। चलिए तो पहले इसका प्यूरी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून फिश में। अच्छी तरह इसको मैंने वॉश कर ली हूँ। और थोड़ा सा हम यहाँ डाल देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। और चलिए इसको मिला लेती। ये देखिए फ्रेंड, तो मैंने इसमें नमक एंड हल्दी मिला के इसको रख दी थी थोड़ा देर ये फिश में। और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, ऑयल ऐड कर दी हूँ मैं। पहले हम फिश को फ्राई कर लेंगे, कड़क करना है फ्रेंड हमको, कि ताकि जो इसके कांटे रहे, यानी कांटे तो फिश में रहते ही है ऑलरेडी, तो कांटे सॉफ्ट होना चाहिए कि बच्चे वगैरह इसको आसानी से खा सके। फ्राई करने से इसके कांटे जो है, हम कड़क इसको फ्राई करेंगे तो इसके कांटे ऐसे ही मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऑयल को हमको कड़क गरम करना है। देखिए इस तरह से हम एक एक पीस छोड़ते जाएंगे इसमें कढ़ाई में। और गैस की आंच को हमको लो पे नहीं रखना है, हाई रखना है। तो हाई पे ही इसको फ्राई कर देने वाले। ये देखिए, तो अब हम इसको हल्के हाथों से बिल्कुल इसका साइड चेंज कर देंगे, पलटा देंगे फिश को। देखिए इस तरह से एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे करना है कि मछली टूटे ना। तो ये बहुत सॉफ्ट रहती है फिश, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा भी हमने हाथ एकदम रफली चलाए, यानी चम्मच वगैरह कुछ भी, तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, पलटाइए इसको। दस की अभी थोड़ी सी पकने की है, तो इसलिए मैंने वो नहीं पलटाई। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ही हमको बस फिश को फ्राई करना है हल्की क्रिस्पी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है फिश हमारी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सारी ही फिश हो गई है फ्राई। देखिए एक भी टूटी नहीं है, अच्छी तरह से ऐसी क्रिस्पी फ्राई कर लेना है हमको। और अब मैं इसी ऑयल में ऐड कर देती हूँ मस्टर्ड सीड फ्राई। और अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें मेथी का पाउडर 1/2 टीस्पून। मैं खड़ा नहीं डालती इसमें, क्योंकि वो मुंह में आता है, इसलिए मैं इसका पाउडर पीस के रख लेती हूँ और यही वाला ऐड कर रही हूँ। और 2 सूखी ड्राई लाल मिर्च। और अब मैं ऐड कर देती हूँ हमारी ये प्यूरी जो मैं पीस के रखी थी। ये देखिए इस प्रकार है। चलिए ये देखिए फ्रेंड, तो अच्छी तरह हम प्याज का कच्चा बना जाने तक के इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमारी ग्रेवी को अच्छी तरह हम भून लेते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ 1 छोटा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। और अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मसाले डालने के बाद हमारा ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो गया था फ्रेंड, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ। अब मैं ढककर इसको थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक के पकने देती हूँ ग्रेवी को। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं ऐड कर दे रही हूँ यहाँ सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। डालिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड, हम चेक कर लेते हैं हमारे मसाले। देखिए पक गए हैं अच्छी तरह से,
ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें ग्रेवी है ये, तो हमको इसमें ग्रेवी तो नहीं चाहिए, थोड़ा हम इसमें तरी रखते हैं फिश करी में, यानी इसकी करी की कंसिस्टेंसी इसमें बनाते हैं। तो चलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वाटर। आप चाहे तो ऐसा ग्रेवी रख के, यानी ऐसा भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा ऐसा करी है, फिश करी है, तो थोड़ी इसमें करी ही होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, मेरा ये मानना है। अब ये करी को हम एक बॉईल आने के बाद फिश ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड, तो हमारी करी में बबल्स आ गए, मतलब बॉइल्स हो गई है। अब हम ऐड कर देते हैं फिश। फिश को ऑलरेडी हमने, क्योंकि इसको फ्राई किए हैं, तो हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो ये चूरा हो सकती है, टूट सकती है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ऐड कर दी हूँ सारी ही फिश। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ फिश। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए होने देंगे ढककर। फ्रेंड, तो हमारी फिश करी हो गई है रेडी, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। तो अब मैं ऐड कर देती हूँ इसमें धनिया पत्ती, हरा धनिया। तो देखिए कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये रेसिपी के लिए मेरी एक व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट किया था कि मैम फिश करी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो देखिए, आपके कहने पे मैंने ये रेसिपी शेयर कर दी हूँ डियर। तो चलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को अगर अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।